गर्मी की शुरुआत होते ही उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा के कई इलाके आग से प्रभावित हैं। हालांकि प्रशासन की माने तो स्थिति नियंत्रण में है। वहीं नैनीताल के जंगलों में कुछ जगहों में बढ़ रही आग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF ने वन विभाग की टीम के साथ आग पर काबू पाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी भवाली और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग और NDRF की टीमों का हौसला भी बढ़ाया। देखिए, भवाली रेंज के गागर बीट में मैं इस समय हूँ। मैं बधाई देता हूं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को, NDRF को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितनी तेज़ी से आग बढ़ी थी उसको एकदम से रोक लिया। और इसमें हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी उन्होंने पानी का छिड़काव किया, उससे भी एकदम फौरी राहत हमको मिल गई। जो पूरी तरह से जंगल ख़त्म होने की आशंका थी वो बचा लिया है। वहीं श्री भट्ट ने कहा कि पर्यटकों के लिए नैनीताल व आसपास के इलाके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक बिना किसी भय के प्रदेश के किसी भी स्थान का रुख कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा मैसेज जा रहा है कि जैसे नैनीताल में आग लग गई हो, पर्यटक स्थान में आग लगी हो, जाना नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, आप आ सकते हैं। ये वनाग्नि है, ये जंगलों के बीच में है, यहाँ कहीं पर भी नीचे शहरों में या जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर कोई ऐसी घटना दुर्घटना नहीं हुई है।